Alright guys, we saw the first 6 days of 2021 and it's all about vaccine. आइए बहनो, मतलब जीवन निरंतर चलता रहता है उसी तरह फटना भी कांस्टेंट है। पहले कोरोना से फट रही थी और अब लोगों की वैक्सीन से फट रही है। क्या करें, भर जाए? अरे क्या वैक्सीन की सरकार है। बिफोर दैट, व्हाट इज रॉन्ग विद पीपल, सो मेनी जोक्स, इंडिया वर्सेस यूएस पहले जा रहे हैं। अरे मतलब बात इतनी बढ़ गई है कि एसबीआई के कर्मचारी अपना लंच छोड़ के ट्वीट कर रहे हैं। आई मीन इट्स लाइक यूएस वर्सेस इंडिया, इन यूएस वेयर आर माय कीज एंड इन इंडिया स्वागत किया है। दक्षिण पूर्व एशिया की पहली वैक्सीन को मंजूरी का स्वागत किया गया है WHO की तरफ से। ये बड़ी जानकारी, दो वैक्सीन आ गई है पर थर्ड फेज क्लियर नहीं हुआ। बहुत सारी बातें, लोगों की थोड़ी सी इस बच्चे जैसी हालत हो रही है वैक्सीन लगवाने के टाइम। यही हम सब की किस्मत है कि एकदम प्लेट में मिला हुआ सजा सजाया नहीं मिलता। आपको बता दें, कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने ट्वीट कर वैक्सीन को मंजूरी देने पर निशाना साधा है। कुछ ना कुछ तो होता ही है। अब थर्ड फेज क्लियर नहीं हुआ, उसका डेटा नहीं, तो लोग सवाल उठा रहे हैं कि यह वैक्सीन सही है कि नहीं। शशि थरूर ने ट्वीट कर कहा है कि वैक्सीन का तीसरे फेज का ट्रायल, कोवैक्सीन का तीसरे फेज का ट्रायल अभी पूरा नहीं हुआ है, मंजूरी जल्दबाजी में दी गई और ये खतरनाक हो सकता है। तो ये भी एक बात है, ये भी एक पक्ष है और एक नेता ने तो हद ही कर ली। मतलब मैं क्या बोलूं, सुनो, ओहो। और हमें लगता है कि बाद में लोग कह दें कि नहीं, जनसंख्या कम करने के लिए, मारने के लिए लगा दिया वैक्सीन। तो आप नपुंसक बना, कुछ भी हो सकता है। भैया जी, आप तो अब लौड़े अपना काम कर। ऐसी बात है तो हमारे नेताओं को आगे आना चाहिए और सबको वैक्सीन लगवा लेना चाहिए। मतलब नो कोरोना, गो कोरोना के बाद लो कोरोना। ये अच्छा है। चल तो आप नपुंसक बना, कुछ भी हो सकता है। हम ये किए, ये गिनिए, इसको सबसे पहले वैक्सीन लगाओ और फिर चेक करो क्या है। आप ये कह रहे हो कि सबसे पहले इस नेता को वैक्सीन लगा के चेक करो। बट या स्पेशल वैक्सीन प्रिपेयर्ड फॉर रवि शास्त्री। या जो भी विकास हो रहा है दारू में ही हो रहा है। वी गॉट इट, वी गॉट द फर्स्ट लुक ऑफ इट। Yes, we got the vaccines, we got two, but yeah, the third trial is still remained. कुल मिलाकर ये सेफ है, सेफ है, 100%। और हाँ, डॉक्टर सुमानी ने भाई की बात का भी जवाब दिया है। लेकिन सर, लोग ये कह रहे कि इम्पोर्टेंट हो जाएंगे, ये भी सही है क्या? ये तो बहुत ही बकवास है। You know guys, there are few things that we can point out, like the third phase did not complete. Also, where is the data? What is the efficacy rate? One day he's saying 110% safe. Safe है, safe है, 100%। कोई साइड इफेक्ट नहीं है। Second day he's saying 200% safe. I mean, there are things, but in India, we do all systematically in a 200% transparent, 200% honest clinical trial. नहीं देखो, सवाल तो है लोगों के मन में, पर let's hope for the best. अभी से गीला करके क्या मिल जाएगा? थोड़ा वेट करते ना, देखते हैं, कर रहे हैं ना कोशिश। और बिल गेट्स इज आल्सो अप्रिशिएटिंग हर कंट्री। अच्छी बात है ना, अच्छा हो कि अगर सब कुछ अच्छे से हो जाएगा तो हमारा कितना नाम होगा। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट गाइस, सब अच्छा हो। नो नो नो, व्हाई? बिकॉज इट्स नॉट अबाउट पॉलिटिक्स, इट्स अबाउट कंट्री, इट्स अबाउट साइंस, इट्स अबाउट आवर रिसर्चर्स, साइंटिस्ट, डॉक्टर्स। सो सीरम इंस्टीट्यूट के मिस्टर पूनावाला भी बोल रहे हैं, हल्लू हल्लू आगे बढ़ने दो। हम कोशिश करेंगे हल्लू हल्लू रोल आउट करने। बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं, सही सुनना। सब लोग को, पूरे देश को मोदी जी ने बोला है फ्री में मिलने वाला है, फुकट में मिलने वाला है। आर यू कॉमेडी मी? ये पिक्चर ट्रोल कर रहे थे उनकी, कहते हैं कि पूरी रात भर जाग जाग के उन्होंने वैक्सीन बनाई, आंखों के नीचे गड्ढे पड़ गए। पर सल्यूट है यार, हमारे यहाँ लोगों में दम तो है। वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू गाइस। बिल्कुल, आपने मेरे दिल की बात बता दी। यू नो, रिमेम्बर दोस पारसी बाबाज इन 90s? Sometimes Mr. Poonawalla sounds like that. कि चलता है कि नहीं चलता है, उनका रिजल्ट नहीं आया है, तो जब तक वो रिजल्ट नहीं आवे। ए जमानुल्लाह, नहीं भूख लगी इतनी? आप तो जो है पूनावाला साहब के बारे में इतनी बात क्यों कर रहे हैं? इंडिया में नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी है सीरम इंस्टीट्यूट, उसके सीईओ है। मतलब दुनिया में सबसे ज्यादा वैक्सीन हमारे यहाँ बनती है, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हमारे यहाँ होता है। कमाल है, प्राउड कर ले पैंचो। खैर, वैसे राहुल खन्ना को इनकी बायोपिक बनानी चाहिए भाई, एक जैसी दिखते। बट फॉर कॉमन पीपल लाइक अस, दिस न्यूज इज गिविंग लॉट ऑफ रिलीफ। यस, धीरे धीरे ये पैनचोद वायरस चला जाएगा, लाइफ ट्रैक पे आ जाएगी। पर एक बात मत भूलना मित्रों, क्या? चिन्मा धर
जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकंड गाइस, रिमेंबर द फाउंडर ऑफ अलीबाबा जैक मा, ये बंदा 2 महीने से लापता है, मिसिंग है। क्यों? क्योंकि इसने चाइनीज गवर्नमेंट के बारे में कुछ कह दिया था। बहुत बड़ा बंदा है यार, ये गायब हो गया एकदम। कैसा देश है हमारे यहाँ देखो, मतलब अंबानी जी की शादी में बच्चन सब खाना दे रहे होते, भाई नाच रहे होते हैं, कितनी डेमोक्रेसी चाहिए तुझे? चलता। इफ यू टॉक अबाउट डेमोक्रेसी, वी हैव टू मच ऑफ डेमोक्रेसी, आई मीन टू मेनी फ्लैग जोक्स, US versus India, one more time. हद कर दिया, रंडापा मचा दिया जनता ने। In US, I am in trouble. और हमारे देश में, अरे माँ चुदी परिया चन्न बताए दो करे। Again, Baba arrived here. Like, thank you so much for the help. And in India, सर सबसे बड़ी उसकी गलती ये है कि हमने उसे कोई मदद मांगी नहीं। खैर, पर बात गंभीर यह हुई जब SBI कूद पड़ा, तब SBI लंच छोड़ के अपने ट्वीट कर रहे थे। गजब, जो खाना है खा लो, घी पीना है पी लो, आनंद से जी लो। और उन्होंने कहा कि देखो 33.2 करोड़ तो US की पॉपुलेशन है और हमारे खुद के कस्टमर है 44.89, समझो। ओके, नाउ आई विल स्टॉप दिस, दिस इज द लास्ट वन। ब्रो यू किल्ड इट In India. Okay, now this is the big question of the week. You know, we boycott China. Yes, we demolish all the apps. मतलब boycott China के नाम से हमने कितने apps सूली पे चला दिए। TikTokers फूट फूट के रोए हैं कि ये क्या हो गया। अरे भैया तो इतना life खराब हो गया, इतना life खराब हो गया मेरा। लॉन्डो का साड़ी पहनना बंद हो गया। चल अच्छी बात है, पर इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। Yes, we want to be आत्मनिर्भर, we are boycotting Chinese product. But what is this Modi ji? यानी RRTS परियोजना में अंडरग्राउंड टनल बनाने का ठेका एक चीनी कंपनी को दिया गया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम NCRTC ने शंघाई टनल इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड को ठेका सौंपा। अब क्या कहेंगे हमारे चचा, मतलब लिटरली मोदी कहाँ है तेरा 56 इंच, कैसा है तू, तू रेजिग्नेशन दे दे, तू हट जा। चाइना फॉर्म वेल्स कॉन्ट्रैक्ट टू बिल्ड 5.6 किलोमीटर अंडरग्राउंड स्ट्रेच ऑफ दिल्ली मेरठ रैपिड रेल प्रोजेक्ट। मैंने कहा हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। बट आफ्टर वॉचिंग दिस यू फील बैड अबाउट अवर फार्मर्स। बड़ा दुख होता है जी देख के, जल्दी से जल्दी ये प्रोटेस्ट खत्म हो जाए और फार्मर्स अपने घर जाए, कुछ करे हमारे चचा। और ये अब तो बच्चे भी जुड़ गए। हमारी लड़ाई इन 3 काले कानूनों के साथ साथ, सत्ता, बिकाऊ मीडिया, ढेरों गलत जानकारियां और हाड़ पिघलाती सर्दी से भी है। न्याय करो, तुम न्याय करो, CM, DM के पास का कुछ नहीं। दिस वीक दीपिका पादुकोण बर्थडे। कमाल की बात है, दीपिका से ज्यादा लोग अर्णव बागड़ बिल्ले को याद कर रहे थे, वो सवाल पूछ रहे थे लोग। क्या दीपिका आप ड्रग्स लेती हैं? कितना दीपिका पादुकोण, बताइए। आर यू कॉमेडी मी? एंड आल्सो दिस रिमिक्स केम ऑन दीपिका पादुकोण्स बर्थडे। बताओ दीपिका, माल है क्या? माल है क्या? फिर मिलेगा क्या? एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम मूवीज। देयर आर सो मेनी अनाउंसमेंट्स इन द न्यू ईयर एंड आई स्टिल स्टक ऑन एनिमल। वैसे साउथ इंडियन सिनेमा के डेडिकेशन और पैशन को मैं सल्यूट करता हूँ। कितने अनाउंसमेंट्स वहां से आ रहे हैं। एनिमल पे हम बाद में बात करेंगे, वो भी साउथ इंडियन डायरेक्टर ही है। लेकिन प्रभास की कितनी मूवीज लाइंड अप है, मतलब जॉम्बी रेडी, देन आदि पुरुष, एंड नाउ ही इज कमिंग अप विद वन मोर, राधे श्याम। साफ चंगासी। बट देर आर सम हिंदी मूवी अनाउंसमेंट्स लाइक ऋचा चड्ढा मूवी, राजकुमार राउस बधाई दो, एंड यस सोनम कपूर ब्लाइंड। वो छोड़ो आप, KGF 2 का टीजर 8 जनवरी को आ रहा है, जरूर देखेंगे। है बिल्कुल, आपने मेरे दिल की बात बता दी। ओके गाइस, वन मोर टाइम एनिमल। मेरे को ये पिक्चर का ना चुतियापा समझ में नहीं आया, तो क्या बोल रहा है ये? ठीक है, ये अपने बाप को अपना बेटा बना रहा है। फिर देखता मैं आपको कैसे प्यार करता हूं। ठीक है, एक मिनट, ये उसके जन्म में अपने बाप को फिर अपना, क्या क्या भैंचोत, क्या रंडापा है, क्या पापा और बेटे की सरकार है, लौड़ा का सरकार है। Now after all this, let me give you some breaking news of Bollywood. Coolie number 1 got 1.3 IMDb rating. This is the breaking news. No, Coolie number 1 से दिल नहीं भरा, अब डेविड धवन साहब बीवी नंबर 1 को भी रीमेक करने की सोच रहे राहुल धवन के साथ। मतलब वरुण के करियर की तो टपा डप टपा डप टपा डप। ओ
Alright guys, so thank you so much for watching the show. Like, follow, subscribe. So that's Sexy Rao, mere fans, meri jaan. And yes, password creation. Password एक बहुत ऐसी चीज होती है जिसको सोचने में और याद रखने में बहुत दिमाग का भला होता है. चल पा. तेरा क्या है? चल पा. खैर, ये बहुत सही टेक्निक है. चेक आउट मारो. बबलू 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 भाग गया है देखो बबलू. जैसे बबलू खेल रहा हो अकड़ बक्का बॉम्बे को. 80-90 पूरे 100 में लगा था बबलू निकल कर मार. I can't understand this fucking job. और हाँ, हमारी What If सीरीज चेकआउट करना मत भूलना. डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लिंक रखा हुआ है. We are in 2021. Remember the movie 2012? Remember that movie? उस मूवी को है ना 2010 में रिलीज करा था ये बोल के कि 2012 में दुनिया खत्म हो जाएगी, पर ये अभी भी जिंदा है. चलता. खैर, ये अब पता नहीं लोगों को ना चुल रहती है डराने की. अब ऐसे डरा रहे. इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा. But there are so many good news in the new year. टी नटराजन got his place. But 2020 में धमाके के बाद अब भाई टेस्ट में डिब्यूट करेगा. रोहित शर्मा ने टीम ज्वाइन कर ली और हाँ, वाह क्या सीन है. And also we are really happy for Mr. Manoj Tiwari. He became the father of baby girl. And nation really wants to know what will be the name of the baby. Now the first ever viral video of 2021. Yeah, this video from Mumbai. I mean, a police constable saved the guy. इतना बड़ा हादसा हो गया. अब ये वीडियो को ध्यान से देखना. ये भाई सब जूता भूल गए थे तो जूता लेने के लिए अपनी जान को खतरे में डाल दिया. ये जूता लेके भाग रहे तो जूता ले गया और बच गए. बबलू 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 भाग गया है देखो बबलू. अपना मानता है भाई भाई. और इसके बाद पुलिस कांस्टेबल में कहां हेल्प करी है? कहां है? ठीक है, ध्यान से देखना कहां की है. मतलब ये ले तेरी क्यों गया था तू. एंड या दिस वीडियो इज फ्रॉम दहिसर रेलवे स्टेशन मुंबई. ये इसी तरह से हम लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं. खैर, आप लोग भी बस थोड़ा ध्यान रखना, ऐसे ट्रेन में क्रॉस मत करना वरना पुलिस आपकी भी हेल्प कर देगी ऐसे. आई एम सॉरी बाबू. बट गाइज होल्ड ऑन फॉर अ सेकंड. यस, वी वेलकम द न्यू ईयर. वी हैव बिग होप्स. एक चीज जो पिछले साल से अब तक चली आ रही है वो है किसान आंदोलन. वी रियली लव अवर फार्मर्स. फिर से हम यही कहेंगे कि हम उनके साथ है. ऐसे ही सोते रहेगा चाहे 6 महीना लग जाए. उनका न्यू ईयर कैसा रहा? That's a big thing. दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर हजारों की तादाद ने पिछले एक महीने से विरोध प्रदर्शन कर रही किसानों ने नए साल का जश्न नहीं मनाने का फैसला किया है. It's very sad to share with you guys, but we start losing them now. गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन में शामिल एक और किसान की मौत हो गई है जिन्होंने अपनी जान गंवाई. उनका नाम चौधरी गलतान सिंह था. भारतीय किसान यूनियन के मुताबिक उनकी मौत ठंड लगने से हुई. सो मेनी पीपल आर सेइंग दे आर एंटी गवर्नमेंट, दैट्स व्हाई दे जस्ट वांटेड टू प्रोटेस्ट, दे हैव नथिंग टू डू. हमने मोदी एक बालक की तरह बनाया था जैसे अपने बालक को पढ़ा लिखा के कराया सर. इस प्रोटेस्ट में कुछ तो मोदी जी के सपोर्टर्स ही बैठे हैं और बहुत दुखी भी हैं. बड़े प्यार से वोट दिए, दिवाए भी लोगों से, बड़ी प्रयास करें.